Hey everyone, Shraddha here. So today I'm going to talk about one important topic, that is how to gain organic followers on Instagram. Suppose you like you have your account on Instagram and you are very new, or you have a new account, maybe you have a another account and you want to maybe click, you used to click photos, maybe basic photos on a daily basis. So you are thinking to, or you are planning to create a new account for those photos. तो ऐसा अकाउंट बनाने के दो बेनिफिट है. एक, आप एक मतलब उस ऐसी मतलब आपके पास डेली का स्टफ़ है, आपके पास फ़ोटो है, मे बी मतलब आपके पास फ़ोन है और आपके पास कैमराज हैं जिससे आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो. उसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पे एक अपना अकाउंट बना सकते हो जिससे आपको पता है एक टाइम बाद, मे बी 6 मंथ्स बाद, 1 साल बाद, आपके अकाउंट में नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स आपको अच्छा बेस मिल सकता है. दूसरी चीज़, आपकी जो फ़ोटोज़ है ना उनको सेव करने का आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया. मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको वो सारी फ़ोटोज़ आपको फ़ोन में सेव करके रखनी है या किसी भी मेमोरी कार्ड में रखनी है, आपके लैपटॉप में रखनी है. आप उसको डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में डाल दीजिए, वो सब आपकी सेव बनी रहेगी ना. ये दोनों वेज़ हो मतलब आप यूज़ कर सकते हो, के लिए आप यूज़ कर सकते हो. तो जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, मतलब अभी आई थिंक 2-4 महीने से मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट, ये मेरा भी न्यू इंटरेस्ट मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों की फ़ोटो लेना. अपन कहीं जा रहे हैं, स्ट्रीट फ़ोटोज़ ले लेना, रोज़ की फ़ोटो ले लेना, स्काई की फ़ोटो ले लेना, ट्रीज़ की, किसी को किसी भी एनिमल वगैरह को कुछ खिला रहे हैं वो फ़ोटो ले लेना, कोई एनिमल मुझे देख रहा है उसकी फ़ोटो, मतलब छोटी छोटी जो बेसिक सी फ़ोटो होती, जो चीज़ अपने को क्यूट लगती है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, उन चीज़ों की फ़ोटो ले लेना. तो ये आप मेरा अकाउंट देख सकते हैं. ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको स्टार्ट करे हुए, तो मैं इसमें बहुत ही बेसिक सी फ़ोटोज़ लेती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं. एकदम कहीं जा रही हूँ तो ये फ़ोटो क्लिक करी रास्ते की, तो ये लेंगे उस हिसाब से आप देख सकते हो. बट मैंने क्या किया, जो भी आप फ़ोटो ले रहे हो ना उसके बेसिस पे आप सारे हैशटैग यूज़ करो. तो इंस्टाग्राम में होता क्या है, एक सेट होता है लोगों का जिनको टास्क मिलते हैं डेली के, इस हैशटैग मतलब कि मैं आपको बताती हूँ. मैं डालूं हैशटैग स्ट्रीट फोटोग्राफी, ओके, हैशटैग स्ट्रीट फोटोग्राफी. अब कई लोगों को ऐसे टास्क मिलते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर हैशटैग से इन पे जाके आपको क्लिक करना है, और ये जो इस पे रीसेंट में जो ऊपर के टॉप 30 या मे बी टॉप 60 जो फ़ोटोज़ आएंगी इनको ओपन करके आपको लाइक करना है. ये ऐसे टास्क मिलते हैं कई सारे लोगों को, है ना. तो ये इससे इनको अर्निंग मतलब अर्निंग होती है डेली बेसिस पे, इससे इनको प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं. बट ये कई लोग इस चीज़ में फंस भी जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग मे बी पे कर देते होंगे, कुछ लोग पे नहीं करते होंगे. तो आप जब देखोगे ना, देखो जब जैसे कि ये आप जब मेरे जैसे मैंने आज आप जब भी फ़ोटोज़ डालोगे अपनी, फ़ोटोज़ डाल के उसमें हैशटैग्स यूज़ करो, जैसे मैंने ये सारे हैशटैग्स यूज़ करे, तो इनमें से कुछ जैसे लव हैशटैग्स होता, सबसे ज़्यादा लोग इस पे जो फ़ोटोज़ डलती है उनको लाइक करने को बोलते हैं ना. तो जब भी आप लव यूज़ करोगे, या मे बी विंटर सीज़न है तो विंटर यूज़ करोगे, या गार्डन हुआ, फ्लावर हुआ, इस टाइप के कुछ हैशटैग्स यूज़ करोगे ना, नेचर हुआ, इंडिया भी होता है कई बार, क्योंकि बाहर के लोग मोस्टली इंडिया को टारगेट करते हैं, उनको पता है ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, और इंडिया के लोग मोस्टली रात में भी दिन में भी मतलब मोस्टली ये लोग इंडिया, अपन लोग अपनी आदत होती है कि अपन नेट वगैरह मोस्टली यूज़ करते रहते हैं, तो उन वो उस चीज़ का उस चीज़ को वो अपने लिए पोटेंशियल वर्क के लिए यूज़ करते हैं. अपनी जो अपना जो अपन जो काम करते हैं मतलब अपन अपन के जो भी फीचर्स होंगे कि अपन नेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को वो लोग अपना पोटेंशियल समझ के उसको वो यूज़ करते हैं ना. तो अब ये क्या करते हैं कि मान लो मैंने कहा इंडिया है ना, उसके अलावा विंटर हुआ, नेचर हुआ, तो ये लोगों को टास्क देते हैं, ये हुए 5 हैशटैग्स, इन पे जाओ टॉप 30 या टॉप 60 फ़ोटोज़ लाइक करो. तो जब आप फ़ोटो डालते हो ना, तो याद रखो इस टाइप की आप रेलिवेंट हैशटैग्स यूज़ करने का, मोस्टली वो सारे हैशटैग्स यूज़ करो जिनके नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, है ना. ऐसे हैशटैग्स यूज़ करो जिन हैशटैग्स के नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, कम से कम होने चाहिए मतलब 400 मतलब 400 के, या तो फिर मतलब आप ये समझ लो 500,000, या तो फिर मिलियन, बिलियन, इस टाइप के तो मिनिमम इसके फॉलोअर्स होने चाहिए. लैक्स, 1 लाख, 2 लाख या थाउजेंड्स, इन पे मत जाना जिनके नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स ऐसे, मतलब जैसे अगर आप
30 तक अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 30 हैशटैग्स यूज़ कर रहे हो इंस्टाग्राम में, तो कम से कम 10 to 15 हैशटैग्स ऐसे होने चाहिए जिसके मिलियंस टू बिलियंस नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स हैं। उसके अलावा फिर आप रैंडमली यूज़ कर सकते हो अपनी फ़ोटो से रेलिवेंट, वो कोई इशू नहीं। अब आप देख सकते हो जैसे मैंने जो अभी फ़ोटोज़ डाली हुई हैं उसमें आप देखो लाइक लाइक, ये मेरे किसी भी, ये मेरे फॉलोअर्स में नहीं है, है ना। फिर ये जो लिखा ना सेंड पिक ऑन, तो कई लोगों को ये भी मिलता है कि आपको ये फ़ोटो लाइक करनी, साथ में इनको ये, इनको पेज प्रमोशन के लिए भी मिलता है कि इनको एक मैसेज दे दिया जाएगा कि इस हैशटैग में आपको लाइक करना है, साथ में 30 पोस्ट में या 60 पोस्ट में आपको ये मैसेज डालना है कि सेंड पिक ऑन, मतलब ये मैसेज ये वो लिख के देते हैं। कई बार ऐसा भी लिख देते हैं कि अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो सेंड पिक ऑन हेवन ऑफ माउंटेन्स, इस हेवन ऑफ माउंटेन्स का वर्ड ब्लैक आर के जिसका अकाउंट है इसका कुछ लेना देना नहीं है, बट इस लड़की को या जो भी इमेज, तो लड़की जो भी हो एक्स वाई जेड, इसको ये टास्क दिया गया है कि ऐसा करो, इसलिए इसने ऐसा किया हुआ है। तो अगर अब अगर इस पर मैं कॉन्टैक्ट करती हूँ और ये इमेज भेजती हूँ अपनी, तो ये पता है वो क्या बोलेंगे, ये अपने प्लान्स बताएंगे कि हमारे इतने और इनके सारे फॉलोअर्स फेक होते हैं, मतलब मुझे ये सारे, मैं मार्केटिंग में हूँ, मेरे को ये सारी नॉलेज है, मुझे सब पता है, तो इनके सारे फॉलोअर्स फेक होते हैं। और फिर ये अपना प्लान्स चिपकाएंगे कि हम मिलियंस में, मतलब मिलियंस हम आपको फॉलोअर्स दे देंगे, मिलियंस हम आपको लाइक्स, मिलियंस व्यूज़, ये है वो है, आप इतना पे कर दो, ऐसा वैसा, तो ये पूरा इनका सब कुछ सीन रहता है। बट उससे अपने को मतलब नहीं है। मोस्टली मैं क्या करती हूँ, ये जो अपने को ये जो कमेंट आती है, मोस्टली ये कमेंट से मतलब नहीं, इसमें तो अभी कुछ ज़्यादा ही 10 मिनट पहले डाले, तो आप देख सकते हो इतनी सारे लोगों ने कमेंट कर दिए, तो क्या किया करो, इन कमेंट का मतलब नहीं रहता है, तो इन कमेंट को अपन डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो भी ये पेज डाले हुए हैं इनको आप देखो, इनके फॉलोअर्स बहुत अच्छे होते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, अब आप देखोगे ना इनके फॉलोअर्स अच्छे होते हैं और ये सारे फॉलोअर्स इनके फेक होते हैं, इनके फॉलोअर्स अच्छे होते हैं, सब इनके फेक फॉलोअर्स होते हैं ना। हेवंस ऑफ माउंटेन्स को भी देख लेते, 553, मतलब ये हाफ अ मिलियन फॉलोअर्स, सब इनके फॉलोअर्स फेक होते हैं। और देखो आप इसमें इन्होंने अपने लाइक्स को हाइड कर दिया क्योंकि इनको उतने लाइक्स मिलते ही नहीं, इनके फॉलोअर्स फेक होते हैं, इसलिए लाइक्ड बाय 1, ये सब इन्होंने अपने लाइक्स हाइड कर दिया। अगर इनको, इनके इतने फॉलोअर्स हैं तो कम से कम आप समझ लो इनको 20,000-30,000 लाइक्स मिलते हैं ओबियसली, सारे उनके जो भी फोटोज डली हैं, तो उस टाइम पे इनको अपने लाइक्स हाइड करने की ज़रूरत नहीं थी, बट ये इन्होंने अपने लाइक्स हाइड करके रखे हुए हैं क्योंकि इनको उतने लाइक्स मिले ही नहीं हैं उस पर, इनकी फ़ोटोज़ पर। तो ये सब चलता है, तो ये अगर अपन चाहें तो इसमें अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है, इनकी जो कॉमेंट्स हैं ना ये सब कॉमेंट्स प्रमोशनल हैं, तो जैसे ये हर्ट है ये बना रहने दो, इस ये मतलब ये जेन्युइन है ना। इसके अलावा जो भी है ना ये सब लाइन से ये डिलीट करो, इस सब लाइन से डिलीट करो। अब चलो एक लाइव देख लेते हैं, मैं एक लाइव पोस्ट डालती हूँ, है ना। मैं इस पे गई, मैंने प्लस किया, मैंने एक पोस्ट सेलेक्ट करी, मैंने चलो मैंने ये वाली पोस्ट डाल दी, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा क्रॉप करके इसको मैंने ऐसे, मैं बस आपको ये दिखाने के लिए डाल रही हूँ ना। मैं गई, मैंने हैशटैग्स पहले से कॉपी करके रखे हुए हैं, मैंने नो फिल्टर लगा दिया, मैंने आईजी को हटा के मैंने इंडिया ऐड कर दिया, और मैंने स्नो हटा के, स्नो ऐसा कुछ है नहीं स्नो टाइप का, तो मैंने यहाँ पर कर दिया मैंने मध्य प्रदेश। अपने को रेलिवेंट डाल देना, रेलिवेंट कीवर्ड्स मतलब रेलिवेंट हैशटैग्स डालने। उसके अलावा मैं एक बार चेक कर सकती हूँ, सनलाइट हो गया, लैंडस्केप हटा सकते हैं, इसकी जगह अपन क्या डाल सकते हैं, बर्ड्स डाल सकते हैं। ओके, ये हो गया पूरा, ठीक है। ओके, ये सब हो गया। अब देखो इसको मैं पोस्ट कर रही हूँ, अब आप स्पीड देखना किस स्पीड में यहाँ पे लाइक्स आते हैं, वो स्पीड देखना। ये मैंने पोस्ट कर दिया ना, यहाँ पर भी ऐड नहीं हुआ है, मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, ये ऐड नहीं हुआ है। अब जस्ट ये फिनिशिंग अप हो गया, ओके अब ये ऐड हो जाएगा। अब देखो जस्ट ऐड हुआ है ना और लाइक आने शुरू हो गए। अब आप देखो ये ऐड आए हुआ, यहाँ पे 26 सेकेंड हुआ, लाइक आने शुरू हुआ। तो आप भी ऐसा कर सकते, जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कॉमेंट शेयर, एंड इफ यू वॉन्ट मी टू कम विद एनी टॉपिक जस्ट लेट मी नो, आई विल बी कमिंग दैट टॉपिक टू। Stay tuned. Bye-bye.